आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके सिलेक्शन की डोर को मजबूत करने और इस खुशी के त्योहार पर चार चांद लगाने के लिए टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग लेकर आया है इस 27 से 31 अगस्त रक्षाबंधन सेल, जहां पर आपको मिलेगा सभी सुपर कोचिंग पर अप टू 90% ऑफ और 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। गुड इवनिंग श्रेया, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। आई होप माय वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल, स्क्रीन इज विजिबल। आवाज आ रही है मेरी सभी को? ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और इंटरेस्टिंग भी रहेगा ये सेशन होपफुली। और फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे बता देना। चलिए, तो देखो बिग पुश थ्योरी की बात करते हैं और बिग पुश के नाम से ही आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि आप क्या किस तरीके से पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करते हो जिसकी वजह से आपके इकॉनमी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ जाए, मतलब आपकी इकॉनमी आपकी अर्थव्यवस्था विकसित हो जाए। ठीक है, आपको ऐसे कंटेंट और एलिमेंट्स ढूंढने पड़ते हैं। तो बिग पुश थ्योरी की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ग्लैंस देना चाहूंगी मेरी क्लासेस का टाइम टेबल। 7:30 पे मेरे यूट्यूब का रेगुलर स्लॉट चल रहा है। फिलहाल इस वीक में मैं जो टारगेट कर रही हूँ वो है ग्रोथ और डेवलपमेंट के सारे यूनिट्स। ठीक है, और कोर्स वाले स्टूडेंट्स को बहुत ही मतलब राहत मिलने वाली है क्योंकि माइक्रो उनका कंप्लीट है, मैक्रो भी थोड़ा सा बचा है, इंटरनेशनल में स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यूट्यूब पे चल रहा है, तो मतलब लगभग चार यूनिट अप्रॉक्स साइमल्टेनियस स्टार्ट हो रही है। और उनमें से कुछ यूनिट्स ऐसी है जो एकदम छोटी छोटी है, तो उनका तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ही टाइम लगेगा। उसके अलावा अपना रह जाएगा इकोनोमेट्रिक्स और मैथमेटिक्स का पार्ट। मेरी डेली जो क्लासेस होती है मास्टर क्लास जो कि टेक्स्ट बुक ऐप पे 8:30 बजे रहती है, तो मैं आज बता देती हूँ कि मेरी आज मास्टर क्लास नहीं होगी। ठीक है, आप लोगों के पास लिंक आएगा लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर पाओगे आप लोग क्योंकि आई एम नॉट टेकिंग क्लास एट 8:30। ठीक है, तो अपना टाइम वेस्ट ना करें और जो भी डाउट है आज के लिए वो आप इसी क्लास में पूछ ले। ठीक है, गुड इवनिंग पर्णिका। ठीक है, अब देखो इस थियरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ वर्ड्स के साथ आपको कैसे चलना है। जैसे बिग पुश का नाम सुना आपने, ठीक है, मतलब बिग पुश मतलब एक बड़ा धक्का, किस तरीके से आप बैलेंस्ड ग्रोथ से रिलेट किया जाता है। कई बार होता है ना क्वेश्चन में लिख दिया जाता है कि भाई बैलेंस्ड ग्रोथ में कौन शामिल है, तो उसमें अगर रोजेनस्टाइन रोडेन का नाम है तो आपको टिक करना है कि हाँ जी बिल्कुल ये बैलेंस्ड ग्रोथ की बात करता है। ये पॉइंट समझ में आया? मान लो स्टेटमेंट में आपको अगर पूछा जाता है कि बैलेंस्ड ग्रोथ, ठीक है, बैलेंस्ड ग्रोथ में आपके कौन से इकोनॉमिक्स इकोनॉमिस्ट जो है वो एडेड है, तो आपको रोजेनस्टाइन रोडेन जो है उसको एड करना है। ऑब्स्टेकल ऑफ डेवलपमेंट भी, क्रक्स क्या है इसका कि जो भी ऑब्स्टेकल्स है उनको फॉर्मिडेबल परवेसिव मतलब उनको पहचानना है और उनके ऊपर काम करना है। ठीक है, और खासकर उन चीजों पे काम करना है। आपके पास इन्वेस्टमेंट जहां पे भी करोगे ना, आपको एक बड़ा अमाउंट चाहिए उस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए। सपोज आपको इन्वेस्टमेंट अंडर डेवलप्ड कंट्री में करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको बड़ा सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए। यहाँ पे रोजेनस्टाइन रोडेन बोल रहे हैं कि आप ऐसा इन्वेस्टमेंट करो जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़े 4 की जगह 1 करोड़ का और बाकी का इन्वेस्टमेंट एक्सटर्नल इकोनॉमीज की वजह से आ जाए। एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्या होता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है, लेकिन आप
आपको 4 करोड़ की जगह 1 करोड़ का काम करना है। अब देखो वो कैसे, सपोज मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि भाई मैंने एक हॉस्पिटल पे इन्वेस्टमेंट करने का सोचा। हॉस्पिटल के पास में आपको मेडिकल तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, ये आपको 100% एक गारंटी के साथ बोल सकते हो हॉस्पिटल के बाहर मेडिकल चलेगा, ठीक है। बहुत सारे क्वार्टर पीजी वगैरह की बात करेंगे, ठीक है, मान लो वहां पे अगर क्लिनिकल सुविधा वगैरह आपको देखने के लिए मिलती है तो पीजी वीजी भी अच्छा खासा चल जाएगा। छोटी मोटी जो खाने की दुकान है वो भी चल जाएगी, हॉस्टल चल रहा है तो खाने की दुकान तो चलेगी ना। उसके मतलब जो बेसिक फैसिलिटीज की जरूरत होती है वो सब चीजें, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, सिर्फ यहाँ पे हॉस्पिटल या फिर क्लिनिकल मतलब कॉलेज के ऊपर खर्चा करना पड़ा, जिसकी वजह से ये बाकी की सारी चीजों के लिए प्राइवेट इन्वेस्टर मेरे जैसा सोचेगा कि यार वहां पे तो हॉस्पिटल खुलने वाला है तो एक काम करते हैं पास में ही पीजी खोल लेते हैं स्टूडेंट रहने के लिए, कम से कम रहेंगे तो सही, मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत होती है, छोटे मोटे बेसिक नेसेसिटीज की जरूरत होती है। तो रॉजेंस्टीन रॉडेन ने बात किया कि आपको इन्वेस्टमेंट तो करना ही है, और आपके पास अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो ऐसी इन्वेस्टमेंट करो जिसकी एक छोटी से इन्वेस्टमेंट से बाकी के रास्ते खुल जाए, ठीक है। ठीक है, बता दूं तो व्हाट डू वी मीन बाय बिग पुश। अल्टीमेटली I'm just going to give a summarized version of this, whatever I've just explained right now. ठीक है? इसका मतलब क्या होता है कि भाई, if we are making investment in hospitals, if government is making expenditure or investment in hospital, suppose, okay? So private investment automatically come into the thought that they are going to make spending in medical stores. I would about just to open new PGs or hostels, and then you can think about basic necessities like jo bhi kirane wagera ka stores ka saman jo hota hai, basic necessities are required besides hospital. So ye sari cheeze you can think automatically if any new hospitals is coming into the picture. Getting my point? So this is all about big picture, that you have to give a small shot towards the investment and automatic other investment would take place with the help of private investors. This is the crux of this big push theory, or this is known as external economies. External economies means aapko sirf ek chota sa amount lagana hai ya fir aapko aise sector aise kshetra mein निवेश करना है जहां से अपने आप ऑटोमेटिकली दूसरे इन्वेस्टर निवेशकर्ताओं को एक पुश मिले कि भाई आप भी इन्वेस्टमेंट करो, फायदा ही होने वाला है, कोई नुकसान नहीं होने वाला। गेटिंग माय पॉइंट? यू हैव टू जस्ट गिव अ पुश टू अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट विच कुड एनकरेज द अदर इन्वेस्टमेंट इन शॉर्टर फॉर्म्स, सो दैट अदर इन्वेस्टमेंट स्पेशली प्राइवेट इन्वेस्टर्स कुड गेट अ किक in order to earn more, or you would invest more, or this is creating the external economy in our economy, theek hai, in our country, theek hai. This is known as the development process, which is not so smooth because we do not have so much of capital to make investment. आपके पास इतना ज्यादा कैपिटल नहीं है जो आप इन्वेस्टमेंट कर सके, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा स्मूथ तो नहीं रहने वाला, ठीक है। इट्स अ बिग टास्क, क्योंकि आपको यहाँ पे बात की गई है स्पेसिफिकली अगर आप अंडर डेवलप्ड कंट्री की बात करो तो, ठीक है, आपको लार्ज चंक ऑफ मनी और कैपिटल वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद में आप बोलोगे कि एनी स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनी स्ट्रेटजी बेसिकली डिपेंड ऑन ग्रेजुअलिज्म, बेसिकली डिपेंड ऑन अ स्लो पेस, ऑब्वियसली इफ वी आर मेकिंग एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आप किसी भी चीज में नए बिजनेस में अंदर जाते हैं तो यू इंटेंड ऑलरेडी, यू आर मेकिंग इन्फ्रेंसेस, आप अपने आप सोचने लगते हैं कि इट वुड टेक टाइम टू एक्सप्लोर, ठीक है, इट वुड टेक टाइम टू पिक अप, ठीक है।
आपको ये ऑटोमेटिक आता है मन में कि नया बिजनेस है तो लंबा टाइम लगने वाला है, नहीं तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो ये जो ट्रैक पे स्टोरी आएगी वो स्लो पेस में आएगी, यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट। तो इसको आप साथ में लेकर चलते हैं ताकि स्मूथ जर्नी आपकी इकोनॉमी में रहे। लेकिन जब मैं आपको बैलेंस्ड, व्हेन आई एम गोइंग टू टीच यू बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड अप्रोच, जब मैं आपको बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड अप्रोच बताऊंगी तो आपको ये चीजें और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब देखो, रैशनल फॉर अ बिग पुश, दिस इज द बेस ऑफ द स्टोरी। ये जो मैं बता रही हूँ इस स्लाइड में, दिस इज द बेस ऑफ स्टोरी। इसमें फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि दिस एंटायर थियरी इज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल इकोनॉमीज। आई हैव ऑलरेडी मेड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सटर्नल इकोनॉमीज। आपको मैंने अच्छे से बता दिया है कि यू हैव टू इन्वेस्ट इन सच अ काइंड ऑफ बिजनेस और इन सच अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज विच कैन लॉर अदर्स एज वेल, ठीक है, विच कैन अट्रैक्ट अदर इन्वेस्टर्स एज वेल टू मेक इन्वेस्टमेंट। आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट में निवेश करना है जो दूसरे इन्वेस्टर्स को भी एक किक दे कि भाई अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे फायदा होने वाला है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट डू मेक रिलायंस ऑन टू थिंग्स, फर्स्ट इज कॉस्ट, सेकंड इज आसपास का माहौल, सेकंड इज एक्सपेक्टेशंस व्हिच हैज बीन क्रिएटेड आउट ऑफ योर इकोनॉमी। ठीक है, जिनको भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिक्कत हो तो प्लीज मुझे बताना, ठीक है, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट की भाई किस तरीके से। लेकिन फिर भी अगर आपको 4 बार पूछना पड़ता है, 10 बार पूछना पड़ता है, इट डजंट मैटर, ठीक है, लेकिन आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक्सटर्नल इकोनॉमीज जो दूसरे इन्वेस्टमेंट को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। वेलफेयर इकोनॉमीज की बात करते हैं तो दिस इज द काइंड ऑफ अनपेड बेनिफिट। सपोज इफ गवर्नमेंट इज बिल्डिंग रोड, ठीक है, earlier there was a kind of society, normal community, now government is building road, or if road construction is going on, automatically other investment would also take place in order to fulfill the requirement of other people. Aap इस रोड के इर्द गिर्द दूसरी चीजें या दूसरे बिजनेसेस खोल लेंगे ताकि लोगों के रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। आप जब रोड के रास्ते से जाते हो तो आपको किसी भी चीज के खाने पीने के सामान की इच्छा हो जाती है, ठीक है, रुकने की इच्छा हो जाती है, तो ये पेट्रोल पंप की जरूरत हो जाती है। तो दिस वुड ओनली टेक प्लेस व्हेन रोड कंस्ट्रक्शन इज टेकिंग प्लेस। आपका रिक्वायरमेंट, आपकी जरूरत आई कैसे, क्योंकि वहां पे रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ। सो only investment is taking place in road construction which is luring other investors which is taking place also, so this is creating external economies। aapke sirf road ke construction karne se mere jaise ne ye socha ki yahan pe petrol pump khulna chahiye, yahan pe chote mote khane peene ka saman khulna chahiye, yahan pe thoda sa rest lene ke bare mein sochna chahiye, theek hai। Yes, तो such kind of amenities or such kind of investment would take place automatically। आपको push देने की जरूरत नहीं है, but you have to create a kind of positive scenario around the area in which you are living, area in which you are making investment। ठीक है, उसके बारे में बात की जाती है। आपको सिर्फ ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है जिससे आपको 100% ये पता है कि भाई सामने वाला तो इन्वेस्टमेंट करेगा, बाकी का इन्वेस्टमेंट मुझे करने की जरूरत नहीं है। आप देखते होंगे बहुत सारे रेलवे स्टेशन, बहुत सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर देयर इन विच वेरियस कैंटीन्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स आर टेकिंग प्लेस, और उससे फायदा भी गवर्नमेंट को हो रहा है कि भाई संभालना मुझे नहीं है, आई डू नॉट हैव टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, मुझे तो फ्री का क्या मिल रहा है, किराया मिल रहा है, और अदर पीपल आर टेकिंग केयर ऑफ इट, दूसरे लोग इसको संभाल रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट करने का मन करता है। तो यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए कि बिग पुश थ्योरी किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो है आपकी एक्सटर्नल इकोनॉमी। ठीक है, एक्सटर्नल इकोनॉमी की बात की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये एक प्रोसेस है,
ये एक प्रोसेस है जहां पे इंडस्ट्री, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, इंडस्ट्री ए ने क्या किया, टेक्निकल इनविजिबल इनडिविजिबिलिटी। मान लो एक बड़ा सारा इन्वेस्टमेंट आपने किया, यू आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 crores, ठीक है, तो आपको लग रहा है दिस इज टू मच, ठीक है, आपको लग रहा है ये बहुत बड़ा है, तो ये शायद ये जो बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो इस इन्वेस्टमेंट से आपका एक फायदा होगा कि इन्वेस्टमेंट इज टू मच, यू कैन प्रोड्यूस मोर, आप उसका उत्पादन बहुत ज्यादा कर सकते हैं उस 100 crore से, उत्पादन बढ़ जाता है, इफ यू आर प्रोड्यूसिंग मोर सप्लाई वुड गो अप, आपूर्ति बढ़ जाती है, और इफ सप्लाई इज गोइंग अप, अगर सप्लाई ज्यादा हो रहा है तो व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑन प्राइस, कीमत पे क्या प्रभाव पड़ता है, आप बताइए। अगर प्रोडक्शन ज्यादा होता है, सप्लाई ज्यादा होता है, तो क्या इंपैक्ट आता है प्राइस पे, व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑन प्राइस, बताइए। Yes, you can say this. Supply is going up, prices is going down. और ये क्यों हुआ? You are making too much investment. अच्छा खासा investment कर रहे हो. और ये बड़ा investment करने से, जितना ज्यादा आप बड़ा investment करते हो, ठीक है? अगर ज्यादा बड़ा, आपने सुना है ना कि large scale आपका production होता है तो cost would be less. ऐसा होता है ना, cost would be less. तो ये एक internal economy establish करती है. और इस internal इकोनॉमीज का फायदा उठाती है दूसरी कंपनी जो आपके ऊपर रिलायंट है। आपको पता है ना कि स्टील इंडस्ट्री जो है, ठीक है, स्टील इंडस्ट्री कैसा काम कर रही है, उस पर रिलायंट है ऑन ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। व्हाट एवर काइंड ऑफ इकोनॉमी स्टील इंडस्ट्री वुड गेट टू सी, जो भी स्टील इंडस्ट्री को प्राइस कम करने का या फिर मुनाफा ज्यादा हो रहा है तो वो ऑटोमेटिक फायदा ऑटोमोबाइल्स को मिल जाएगा, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स को मिल जाएगा। सप्लाई साइड में भी आप बात कर लो, क्योंकि आपको ये पता है कि स्टील का पूरा जो इंडस्ट्री है उसका लार्ज मोनोपोली किसके पास होता है, मतलब बायर जो है मोनोपोली कौन है, ये ऑटोमोबाइल्स। तो आपको ये पता है कि स्टील खरीदने वाला ऑटोमोबाइल्स है, तो स्टील को अगर फायदा होगा तो ऑटोमोबाइल्स कार वगैरह की इंडस्ट्रीज को भी फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात की जा रही है, तो यहाँ पे आपने किसी भी चीज का पेमेंट नहीं दिया है कि भाई आप अच्छे से यहाँ पे बिजनेस बनाओ और आई एम पेइंग फॉर दिस, दिस इज अनपेड बेनिफिट यू आर गेटिंग, ठीक है। आप अगर किसी दूसरे स्थान पे, वहां पे आपको पता है बिजनेस खुल रहा है किसी भी तरीके का और आप अपना बिजनेस स्टेब्लिश कर रहे हो, तो आपको किसी ने फीस नहीं दी है कि भाई आप वहां पे जाके बिजनेस खोलो, मतलब ये अनपेड बेनिफिट है, आपको वहां पे फायदा नजर आ रहा है और वहां पे आप क्या कर रहे हो, ओपन अप कर रहे हो अपनी इंडस्ट्री। Yes, price will come down due to economies of scale. Yes, scope भी है यहाँ पे, different products की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो requirement of big push की if we do talk about, approach lies in reaping of external. पूरा का पूरा जो crux of this theory is external economies through simultaneous installment of technical independent industry, बड़ी बड़ी industries खोल कर वहां पे आपको फायदा उठाने की, इतनी बड़ी अगर मेरी मशीन है, अगर इस मशीन को मैं काम में लगा देता हूँ तो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर प्रोडक्शन। ये क्या प्रोड्यूस करने वाला है, अच्छा खासा सप्लाई प्रोड्यूस करने वाला है, और मुझे एक अलग सा सर्टेन साइज से, जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट जितने बड़ी साइज का है उस हिसाब से मुझे क्या मिलने वाला है, रिजल्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पे बिग पुश थ्योरी ने तीन चीजों के ऊपर रिलायंस दिखाई है, ठीक है, तीन चीजों पे, मांग की इनडिविजिबिलिटी, अविभाज्य बचत की, अविभाज्य बचत की आपूर्ति में अविभाज्य। देखिए इनडिविजिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन की बात की गई है कि आपने 100-150 crore लगा दिया, तो उस 100-150 crore को आप
काट नहीं सकते हो बीच में से। अगर कोई मशीन ही अगर 100 करोड़ की है तो कैन यू मेक डिविजिबिलिटी इन दैट मशीन कि भाई मुझे तो 50 करोड़ की मशीन तोड़ के दे दो। कैन यू ब्रेक डाउन दी मशीन? ठीक है, इज इट पॉसिबल टू ब्रेक डाउन एनी मशीनरी? नॉट एट ऑल। ठीक है, यू हैव टू स्पेंड द एंटायर अमाउंट ऑन द सिंगल मशीनरी, इट वुड ऑटोमेटिकली गिव द मोर रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन। उत्पादन को वो ज्यादा करके आपको रिजल्ट देगी, बट आप किसी भी मशीन को तोड़ कर यूज नहीं कर सकते कि भाई ये पूरी मशीनरी है मुझे तो 1/4 दे दो लेकिन मुझे पैसा कम कर दो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये बात की गई है कि प्रोडक्शन फंक्शन यहाँ पे लंपिनेस मतलब कैपिटल में एक साथ पैसा लगता है। दूसरी चीज इनडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें आप एक चीज खरीदते हैं तो दूसरी और खरीदनी पड़ती है। ठीक है, एक चीज खरीद आप अपना फोन खरीद रहे हो तो चार्जर खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चार्जर बनाने वाला मटेरियल ऑटोमेटिकली उसका डिमांड बढ़ जाए। कुछ चीजें ऐसी होती है जो कॉम्प्लीमेंटेरिटी की बात करती है कि कॉम्प्लीमेंट्री आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो उससे रिलेटेड सारे के सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ जाएगी। अब आती है इनडिविजिबिलिटी ऑफ सेविंग। इसमें बात किया जा रहा है कि भाई अगर मुझे लंपिनेस ऑफ कैपिटल, इफ आई हैव टू स्पेंड टू मच, मुझे अगर बहुत सारा पैसा चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो यहाँ पे मुझे पैसा सेविंग के फॉर्मेट में भी तो बहुत सारा चाहिए। जब वो मशीन मिल ही नहीं सकती 50 लाख की, 50 करोड़ की, तो मैं कैसे सेविंग का विभाजन कर दूं? डिविजिबिलिटी इन सप्लाई, इफ आई हैव टू स्पेंड, इफ आई हैव टू कलेक्ट एक्यूमुलेट 100 करोड़ रुपीस, ठीक है, आई वुड रिक्वायर 100 करोड़ रुपीस साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू गेट वन मशीन। आई कैन नॉट ब्रेक डाउन द मशीन टू 1/4 और 1/2 ऑफ द मटीरियल। ठीक है, तो रॉ मटीरियल नहीं कि आपने 1 kg खरीद लिया, 2 kg खरीद लिया, 5 kg खरीद लिया। कुछ चीजें ऐसी होती है विच यू हैव टू मेक स्पेंडिंग साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ये चीजें आपको बोली गई है। तो फर्स्ट आपको मैंने बता दिया कि प्रोडक्शन में आपको सब कुछ एक साथ खरीदना पड़ता है। दूसरी चीज बोला गया है कि कॉम्प्लीमेंटेरिटी मतलब एक चीज खरीदते हो तो दूसरी चीज भी खरीदनी पड़ती है, जैसे मैंने मोबाइल और चार्जर लैपटॉप वगैरह का एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है और वो भी बड़ा, तो आपको ये सेविंग भी बड़ी ही चाहिए, रिक्वायरमेंट बड़ी ही चाहिए। क्योंकि अगर मान लो इट इज near to impossible to have such high savings in underdeveloped countries. क्यों? क्योंकि due to low prices, ठीक है, क्योंकि वो afford ही नहीं कर सकते, low income elasticity of supply of savings. मतलब उनके पास इतना पैसा ही नहीं होता कि वो अच्छी खासी saving कर पाए, और saving नहीं करेंगे तो investment होने के कोई chances नहीं है। ठीक है, तो saving, if the saving is primarily low, तो how can you make investment? आप निवेश कैसे कर सकते? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? प्लीज डू आस्क इफ एनीबडी इज हैविंग डाउट। इफ एनीबडी इज हैविंग डाउट, पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप की नहीं, मैं यहाँ पे एक्सटर्नैलिटीज की बात कर सकती थी, कर रही थी, और दिस कैन बी वन ऑफ द एग्जाम्पल फ्रॉम द थियरी। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे ये छोटा सा एग्जांपल देख लो, ये डायग्राम भी देख लो। एग्जांपल इसका एग्जांपल बताना है, एक्सटर्नल इकोनॉमीज का। देखो एग्जांपल बताती हूँ, जैसे यू हैव अ सिंगल फर्म, ठीक है, आपने सिंगल फर्म की बात की है, उसका इन्वेस्टमेंट अगर 50 लाख रुपए है, ठीक है, ओके, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दैट। ठीक है, 50 लाख रुपए, इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन आई विल कम बैक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक आपके पास फर्म है, ठीक है, एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू की कर्व
ये सेम आप मोनोपोली में जो देखते हो, दिस इज ए आर, दिस इज एम आर, है ना, ये आप देखते हो. ए आर को आप डिमांड कर्व के नाम से जानते हो, ठीक है. आपने छोटे से फॉर्म में, मतलब छोटा सा फॉर्म क्या है आपका, एक फॉर्म है, उसमें आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया. और इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ये पता है, नॉर्मली आप मोनोपोली की जब बात करते हो तो आप किस तरीके से डिसाइड करते हो क्वांटिटी, जहां पे एम आर इक्वल्स टू एम सी होता है. ऑन दिस बेसिस यू हैव टू डिसाइड योर क्वांटिटी वेयर द एम आर इज इक्वल टू एम सी. समझ में आई बात? तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि भाई ये वाला आपका क्यू वन है, ठीक है, दिस इज द लेवल ऑफ क्वांटिटी यू हैव टू सप्लाई. आपको जो सप्लाई करना है आपूर्ति है, ये आपकी क्वांटिटी है, ठीक है. अब देखो इस क्वांटिटी के प्राइस आपको कितना डिटरमाइन करना है. प्राइस आप ए आर से डिसाइड करते हो. मान लो ये आपकी क्वांटिटी है तो आपको यू हैव टू गो अप टू ए आर, ये वाला पॉइंट है ना. तो ये वाला पॉइंट और ये डिसाइड कर रहा है पी वन. क्या डिसाइड कर रहा है? पी वन. समझ में आई बात? और इसमें आप देखोगे तो ये ए सी डिटरमाइन कर रही है आपकी कॉस्ट, ठीक है. ए सी डिटरमाइन कर रही है आपकी कॉस्ट. तो यहां तक आप कॉस्ट, यहां पे आपको नजर आ रहा है कॉस्ट इज ग्रेटर देन प्राइस, तो इसमें आपका क्या आएगा? लॉस आएगा. तो मैंने क्या सोचा, मोनोपोली है ना मेरी, तो मैंने क्या सोचा कि भाई मुझे तो लॉस हो रहा है, आई एम फेसिंग लॉस. तो इन्वेस्टमेंट जो है, अगर बहुत सारी इंडस्ट्री मिलकर काम करेगी तो यहाँ पे शायद एम आर थोड़ा सा इलास्टिक हो जाएगा, और ज्यादा इलास्टिक हो जाएगा. और इलास्टिक होगा और जहां पे कट करेगा, क्या कट करेगा? एम सी कट करेगा. तो ये आपको क्वांटिटी देखने के लिए मिलेगी, है ना, क्वांटिटी देखने के लिए मिलेगी. और जब आपको क्वांटिटी देखने के लिए मिलेगी तो ए आर के बेसिस पे आप प्राइस डिटरमाइन करोगे, ए सी के बेसिस पे आप कॉस्ट डिसाइड करोगे. और यहाँ पे प्राइस इज ग्रेटर देन सी, तो ये आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? प्रॉफिट होगा, ठीक है. ये क्या होगा? प्रॉफिट होगा. मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ. जब तक आप कम प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है, और आपने ये क्वांटिटी कैसे निकाली, जहां पे एम आर इक्वल था एम सी के, ठीक है. जब आप एक्सटेंड करते हो पूरा का पूरा ये लाइन, तो यहाँ बी तक आपका प्राइस डिटरमाइन कर रहे हो, ए सी से आप कॉस्ट डिटरमाइन कर रहे हो, और कॉस्ट फर्स्ट कंडीशन में जहां पे आपकी डिमांड कम है वहां तक कॉस्ट आपका ज्यादा है प्राइस से, तो आपको लॉस हो रहा है. जब आपको ये रियलाइज हुआ कि भाई बहुत सारे उद्योग मिलकर निवेश करेंगे तो ये जो एम आर है और डी जो है वो इलास्टिक हो जाएगी, तो मेरा सप्लाई भी ज्यादा हो जाएगा, और ये सप्लाई ज्यादा हो जाएगा तो मेरी कॉस्ट भी, मेरा जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना कम मेरा कॉस्ट होगा ना, तो मेरा कॉस्ट कम हो जाएगा और हम दोनों मिलके क्या करेंगे, अच्छे प्राइस में उसको बेचेंगे, ठीक है. तो अच्छे प्राइस में बेचा तो प्राइस वुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट, ठीक है. ये क्या देखने के लिए मिला? प्राइस वुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट. तो ये आपको एक्सटर्नल, मतलब इकोनॉमी का फायदा मिल गया. दिस इज द डायग्राम, ठीक है, दिस इज द डायग्राम फॉर बिग पुश थ्योरी, ठीक है. तो ये ई पॉइंट हो गया, जहां पे आप एसी के मिनिमम पे काम कर रहे हो, और ये आपका क्यू फोर वुड बी द डायग्राम. अब मैं आती हूँ बैक टू द पुराना वाला पॉइंट, प्रोडक्शन इन डिविजिबिलिटी इन प्रोडक्शन पार्ट. सपोज यू आर वर्किंग ऑन ह्यूज लैंड, ठीक है, इट वुड बी फ्रेगमेंटेड इन स्मॉल पार्ट्स, ठीक है, इन टू 16 पार्ट यू कैन से, ठीक है. वुड यू बी एबल टू इनकलकेट मोर प्रोडक्टिविटी इन फ्रेगमेंटेड लैंड और ह्यूज लैंड? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. आपके लिए ये क्वेश्चन है कि सपोज एक तो आप काम कर रहे हो बड़े सारे लैंड पे, ठीक है, उसको आपको काम करना है, बहुत सारे लोग मिलके काम कर रहे हो, लेकिन अकेले उस अकेले लैंड पे काम कर रहे हो. दूसरी सिचुएशन है कि आप उस लैंड को तोड़ के काम में लेते हो, मतलब फ्रेगमेंट, आपका बाउंड्री बेसिस पे आपके बंटवारे हो गए और उसके बेसिस पे आप छोटे छोटे लैंड पे काम कर रहे हो. अब मुझे ये बताइए कि फ्रेगमेंटेड लैंड पे जिसका बंटवारे हो गए 16, 17, एक लैंड के 16, 17 छोटे छोटे बंटवारे हो गए,
उसमें प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता ज्यादा होगी या फिर बड़े लैंड में उत्पादकता ज्यादा होगी। क्यों बोला जाता है कि जो बिग आपको फार्मर्स देखने के लिए मिलते हैं उनके पास उत्पादकता ज्यादा होती है क्योंकि उनके पास ह्यूज लैंड भी होता है, ठीक है, उनका फ्रेगमेंटेड लैंड नहीं है उनके पास। तो यहाँ पे ये इनडिविजिबिलिटी का जो मैटर है, ये आपका कॉस्ट कम होगा, अच्छा खासा फायदा होगा क्योंकि आप बड़े एरिया में, मतलब आपके पास ह्यूज लैंड है, ठीक है, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ दैट। इनडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड की बात करते हो तो अगर आपकी किसी भी चीज का रिक्वायरमेंट, आप देखिए इनडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड, आपको ये पता है कि ईवी व्हीकल्स आर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग इन सेल, ठीक है, सेल अच्छी खासी बढ़ती हुई नजर आ रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ठीक है, तो यू वुड रिक्वायर मोर एंड मोर चार्जिंग स्पॉट्स। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज नॉट ओनली योर ड्यूटी टू वर्क ऑन ईवी व्हीकल बट ऑल्सो ऑन द चार्जिंग पॉइंट्स। सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंटेरिटी, यू कैन नॉट डिवाइड कि पहले तो एक काम करते हैं गाड़ियों का बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं उसके बाद में बैटरी पे काम कर लेंगे। वुड इट बी पॉसिबल टू गो फर्दर? नहीं हो सकता, क्योंकि फिर लोग गाड़ी नहीं खरीदेंगे। क्या फायदा ऐसी गाड़ी का जिसका चार्जिंग स्पॉट ही नहीं है, ठीक है। यस, प्रोडक्शन वुड रिड्यूस, ठीक है, तो यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ दैट। इनडिविजिबिलिटी ऑफ सेविंग सप्लाई, इसका एग्जाम्पल मैंने क्या दिया आपको कि भाई इफ योर रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेंडिंग इज मोर, आपका जरूरत जो है पैसों का वो बहुत ज्यादा है, अगर आपका रिक्वायरमेंट पैसों का बहुत ज्यादा है तो इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा, आपके पास अगर सेविंग नहीं होगी, इफ यू डू नॉट हैव इनफ सेविंग फॉर इन्वेस्टमेंट, would you be able to make investment? Not at all. So this is the mandatory requirement ki you need to have huge saving in order to fulfill the requirement of huge investment. Dono aapka ek tarah se compensate karega. Investment ke liye paisa aapko saving se hi milta hai, theek hai, to ye sari cheez. Yes, so this can be treated as the example of second part. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, थ्योरी ऑफ बिग पुश गिवन बाय हूम, वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ गिवन बाय हूम, सोशल ड्यूअलिज्म गिवन बाय हूम। आपको कम से कम बिग पुश थ्योरी का पता है तो आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी के स्टूडेंट्स भी कैन रेज क्वेरीज इफ दे हैव, प्लीज डू रेज क्वेरीज। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है किसी भी चीज में, किसी भी वर्ड में, तो प्लीज वो पूछें, क्योंकि बिना पूछताछ के, बिना क्वेरीज के आपको चीजें क्लियर नहीं होगी। और अगर ये चीज, ये वैसे थियरी इतनी ज्यादा हार्ड नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो पूछ लें। थियरी ऑफ बिग पुश की बात करते हैं तो इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, रोजेनस्टाइन रोडैन की बात करते हैं तो रोजेनस्टाइन रोडैन दो में आपको देखने के लिए मिलता है। वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका हेरिड डॉमर आना चाहिए, थियरी हेरिड की बात आनी चाहिए, तो फोर्थ, तो थर्ड वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, थर्ड वुड बी द करेक्ट आंसर। मैच द फॉलोइंग में ये चीजें ज्यादा पूछी जाती है। ये अगेन मैच द फॉलोइंग है, एडम स्मिथ की बात करते हैं तो एडम स्मिथ ने सबसे पहले जिक्र किया था डिविजन ऑफ लेबर, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन। रोजेनस्टाइन रोडैन ये किसकी, कौन सी थ्योरी की बात करते हैं, वन, ठीक है, तो एडम स्मिथ का फोर हो जाएगा तो मतलब वन वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर। रोस्टो की बात की है, रोस्टो की बात की है तो ट्रेडिशनल सोसाइटी फर्स्ट स्टेज है, किसकी फर्स्ट स्टेज है, रोस्टो थ्योरी की। कार्ल मार्क्स की बात करते हो, श्रेया ने बात की है, थ्री, यस, लास्ट क्वेश्चन का थ्री होगा, ठीक है। और जब ए बी सी डी, यहाँ पे भी आपको इकोनॉमिस्ट दे रखे हैं और उसके बेसिस पे आपको थियरीज निकालनी है, तो मैंने कौन कौन सी थियरीज ले रखी है, मान लो एडम स्मिथ की मैंने बात कर रखी है और रोजेनस्टाइन रोडैन की बात कर ली आज, बिग पुश थियरी, रोस्टो की भी बात कर ली, कुछ कुछ चीजें आपको कार्ल मार्क्स की भी पता है, ठीक है।
यस इसका वन हो जाए, वेरी अमेजिंग. ठीक है, तो वन वुड बी द करेक्ट आंसर. तो ये मैच द फॉलोइंग में भी आते हैं. और एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि जो बिग पुश थियरी है विच इज बेस्ड ऑन वॉट, तो दैट इज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल इकोनॉमीज. ठीक है, जो बाहर की अर्थव्यवस्थाएं हैं उसके ऊपर चीजें ज्यादा डिपेंड करती है. ठीक है गाइज, जो भी जिसको भी जहां भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज डू आस्क, और यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप. और किसी को भी लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो आई वुड रियली से आपको मैं बोलूंगी कि लैंग्वेज को डू नॉट टेक एज अ बैरियर. आपको प्रॉब्लम की तरह नहीं लेना है, इट इज जस्ट अ वे टू अंडरस्टैंड. ठीक है, आपको अपनी जो आपको अपना माइंड सेट है ये सोचना है उससे कि जो लैंग्वेज है ये बैरियर नहीं है, ये सिर्फ एक मीडियम है जिसके थ्रू आप समझ सकते हो चीजों को. ठीक है, और आपको समझने की कोशिश करनी है. क्यों करनी है? क्योंकि यू आर गोइंग टू टीच फर्दर इन हायर एजुकेशन ओनली. ठीक है, हायर एजुकेशन में यू हैव टू डील विद वेरियस लैंग्वेजेस, हिंदी इंग्लिश. एक कई बार आप स्टेट में प्लेसमेंट्स हो जाते हैं तो आपको ठीक है, तो फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज डू लेट मी नो. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू. प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस ग्रुप इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल. हैव अ ग्रेट डे.